हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली केएलडी क्लासेस के माध्यम से आपको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी कह सकते हैं कि पेपर, चाहे वो आरआरबी कह सकते हैं कि यानी कि एनटीपीसी या एलपी कह सकते हैं या कोई भी ग्रुप डी के हो, वहीं से क्वेश्चन ये उठाया जाता है। आपको इम्पोर्टेंट डेली आपको 15 क्वेश्चन कराया जाता है। तो आज पहला ही क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो जो आपके स्क्रीन पे आ गया। शुरू करते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन कराने हैं, 15 क्वेश्चन हमको कराने होते हैं डेली, वो भी फुल आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड कह सकते हैं कि जो यानी कि पंजाब में जो हुआ था, अमृतसर में कह सकते हैं, उसके हुए 100 साल हो चुके हैं। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है। ये आप समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन रहा है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। देखिए नाम थोड़ा सा टाइप है, कोई भी दिक्कत नहीं, किसकी गिरफ्तारी पर ये हुए थे यानी कि था। तो देखिए दिन जो था आपका कह सकते हैं कि बैसाखी का दिन था, समझिएगा, यानी कह सकते हैं कि बैसाखी का दिन था, यानी कि जो कह सकते हैं कि सिख धर्म जो होते हैं उनका त्योहार होता है बैसाखी के दिन, तो कह सकते हैं उस दिन त्योहार था। और कौन सा डेट था, अगर डेट की मैं बात करता हूं तो डेट आपका था 13 अप्रैल, समझिएगा, यानी कि 13 अप्रैल, और यानी कि सन कौन सा था 1919, कह सकते हैं कि 13 अप्रैल यानी कि डेट था, और समय आपका कह सकते हैं कि 1919 का था, यानी कि ये आपका अगर बात किया जाए राज्य कहाँ का था, यानी कि राज्य मैं आ रहा हूँ सीधे सीधे, तो राज्य आपका यानी कि पंजाब समझ सकते हैं, ठीक है। तो पंजाब अगर बात किया जाए, शहर की बात किया जाए तो शहर आपका था यानी कि अमृतसर, अमृतसर के कह सकते हैं कि वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, समझ सकते हैं, तो अमृतसर यहाँ पे आपका जलियांवाला बाग है। तो ये कह सकते हैं कि किसके गिरफ्तारी पे, ये कह सकते हैं कि सभा आयोजन किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन दिया लास्ट दिया यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और यानी कि सैफुद्दीन किचलू के यानी कि कह सकते हैं कि गिरफ्तारी पे, ये कह सकते हैं कि एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कह सकते हैं कि अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पे ये यानी कि कह सकते हैं कि देश यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उसी के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा था कि क्यों हुआ, इस तरह से समझ में आ रहा ना। तो वहां पे एक ऐसा ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे ऐसे हुआ था कि चारों ओर से बंद था, बस एक ही ओर से यानी कि तीन ओर से पूरा लॉक था और एक ही ओर से सिर्फ गेट था जो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। और आपको पता होगा कि जनरल डायर ने कह सकते हैं कि अंधाधुंध यानी कि गोलियां चलाई, उसमें कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने मारे गए, इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी हाल ही में कह सकते हैं कि यानी कि इसका 100 साल पूरा हुआ यानी कह सकते हैं कि 2019 में, तो इसमें कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपकी ये क्वेश्चन जो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके माध्यम से पौधे यानी कि पौधे में हाइड्रोजन प्राप्त होता है, यानी कि कौन सा ऐसा मीडियम होता है जिसके माध्यम से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऑप्शन पड़ेगा वायु, धूप, जल या मृदा, यानी कि इसके माध्यम से यानी कि पौधों को कह सकते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, चाहे कोई भी पौधा होता है, उसको हाइड्रोजन प्राप्त होता है, बताइए। ऑप्शन एक बार पढ़िएगा क्योंकि देखिए बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, और वो अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, एक से दो बार पढ़िए अच्छे से आपको समझ आएगा कोई भी क्वेश्चन हो बायोलॉजी का, समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके माध्यम से पौधे में क्या पहुंचता है, यानी कि हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन जो पहुंचता है वो किसके माध्यम से, यानी कह सकते हैं कि पौधों में, समझिएगा, यानी कि पौधों में हाइड्रोजन, मैं इस तरह से H2O लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा लिखूंगा समय लगेगा, यानी कि पौधों में हाइड्रोजन किसके माध्यम से, तो जल के माध्यम से, यानी कि H2O के माध्यम से, इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जो पानी जाता है, जैसे हम क्या होता है, जैसे कोई पेड़ होता है उसको हम पानी देते हैं तो जल देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है H2O, यानी कि पानी में क्या आ रहा है H2 आ रहा है यानी कि हाइड्रोजन आ रहा है, तो यानी कि जल के माध्यम से जो होता है पेड़ पौधों में क्या जाता है हाइड्रोजन जाता है, समझ में आ रहा। और अगर बात किया जाए कि जो यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि और इसमें अगर बात किया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से जाता है, तो बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यानी कि इसमें CO2 मैं कह सकता हूं, और ऑक्सीजन अगर बात किया जाए, जैसे CO2 और यानी कि ऑक्सीजन, समझे, ये किसके माध्यम से जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और यानी कि O2 किसके माध्यम से जाता है, तो ये यानी कि मृदा के माध्यम से, मृदा का मतलब या मिट्टी कह सकते हैं, मिट्टी के माध्यम से पेड़ पौधों में जाता है, यानी कि जो होता है ना कि जहाँ पे जैसा मिट्टी होगा, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, इस तरह से आपके होंगे रेगुर मिट्टी, हर तरह से लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरह से मिट्टी होती है, इसके माध्यम से पेड़ पौधों में क्या जाता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जाता है यानी कि ऑक्सीजन जाता है, इस तरह से
समझ सकते हैं। और यानी कि पेड़ों में क्या आ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन किसके माध्यम से, तो जल के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट। मैंने पेड़ के बारे में कह सकते हैं कि जो यानी कि गुड़ के बारे में हमने, यानी कि इसके पहले वाला जो हमारा सेशन था कह सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छा यानी कि डिटेल एनालिसिस किया था। ये आपका कह सकते हैं कि यानी कि जीके एनजीएस का कह सकते हैं कि अब तक का ए यानी कि 41वां सेशन, यानी कि 41वां सेशन है। इसके पहले हमने 40 सेशन करा चुके हैं, तो ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से क्वेश्चन है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है CO2 के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन ये है कि श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में CO2 कितने परसेंट होता है। जैसे होता है कि हम मान लिए यानी कि क्या होता है, इन यानी कि जैसे हमने इस तरह से सांस लिया तो हमारे अंदर क्या आ गया बताइए, हमारे अंदर यानी ऑक्सीजन आया। और जब हम यानी इस तरह से यानी कि भाई श्वास लेते रहे ना, जा रहे हमको कोई उतना पता चलता है, ऐसे निकालें तो क्या निकला, CO2 निकला। तो लगभग यानी कह सकते हैं कि कितने परसेंट बाहर निकलता है ये बताना है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई मनुष्य जो होता है सांस लेता है, यानी कि सांस जो छोड़ता है कह सकते हैं, छोड़ते समय कितने परसेंट कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कितने परसेंट CO2 बाहर निकालता है, आपको ये बताना है। लगभग में ये नहीं जरूरी कि उतना एक्यूरेट है, तो कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, यानी कि 4% आदमी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस को छोड़ता है तो 4% यानी कि बाहर करता है। अब बात करते हैं कि जैसे मान लिया ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन यानी कि मानव ग्रहण करता है और किसको छोड़ता है, यानी कि इनक्रीज को करता है ऑक्सीजन को, बाहर किसको करता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बात करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसके विपरीत होते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। एक और ऐसा एक पौधा होता है जिसके बारे में आपको बात करने जा रहा हूं, यानी कि पीपल का नाम सुने ही होंगे, यानी कि पीपल जो कह सकते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जो यानी कि यानी हमेशा कह सकते हैं कि वो यानी क्या छोड़ता है, जैसे कह सकते हैं हमेशा वो ऑक्सीजन ही छोड़ता है। जैसे मान लीजिए और पेड़ होते हैं, एक नॉर्मल कह सकते हैं चाहे आम का हो, चाहे इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी महुआ का पेड़ हो, ये कह सकते हैं कि रात में कह सकते हैं क्या होते हैं, यानी कि रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में यानी कि कह सकते हैं कि अगर सोना हो तो पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता, क्यों, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं रात में क्या होता है यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। लेकिन जो आपका पीपल जो पेड़ होता है ये हमेशा यानी कि 24 घंटों क्या होता है यानी कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है, यानी कि अंदर लेता और यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये होता ना कि आप देखते होंगे कि धार्मिक स्थानों पे क्या होता है यानी कि पीपल के पेड़ लगे होते हैं, समझे, और वो भी कह सकते हैं बहुत विशाल होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन कोई भी हो मैं उसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन ही जाते हैं, समझा ना। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आदमी यानी कि मनुष्य क्या ग्रहण करता है और क्या छोड़ता है, पेड़ पौधे क्या ग्रहण, देखिए आदमी जो यानी कह सकते हैं कि जो ग्रहण करता है यानी वही यानी कि जो ग्रहण करता है जो छोड़ता है उसका उल्टा पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जो पीपल होता है वो इसके यानी कि उल्टे होते हैं और रात में वो उल्टे कार्य करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चौथा क्वेश्चन यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे और आपको समझ में आएगा, अच्छे क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन ये है कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 में चलाई गई योजना का क्या नाम है, यानी कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या क्या होता है, पहले आप समझिएगा कि यानी कि कन्या भ्रूण हत्या क्या होता है। कन्या भ्रूण हत्या उसे हम कहते हैं कि यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, यानी कि बच्चा पैदा होने वाला हो या कह सकते हैं कि बच्चा पैदा हो गया हो, ऐसा समझ सकते हैं, यानी कि बच्चा अगर पैदा होने वाला है या हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि अगर दशोदर में कुछ लोग जानते चेक कराने जाते हैं कि बताओ यानी कि लड़की पैदा होगी कि लड़का, समझ सकते इस तरह से, अगर उसको यानी कि लड़के की आवश्यकता और लड़की होने वाली पैदा तो क्या होगा, यानी कि उसी तरह से कुछ दवा खिला के या इस तरह से कुछ उसको यानी कि पैदा ही होने नहीं देगा, यानी कि वहीं से ही यानी कि आने से पहले उसको मार देगा, तो ये भी भ्रूण हत्या के अंतर्गत आता है। या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अनजान कोई व्यक्ति है यानी कि उसको लड़के की चाहत यानी कि वो सोचता है बेटा हो, बर हो जाती है यानी कि बच्ची पैदा हो जाती है, तो उसको यानी कि कह सकते हैं कि मार देता है इस तरह से यानी कम समय में, तो वो ये भी आपके भ्रूण हत्या के अंतर्गत आता है, समझ में आ रहा है, इस तरह से। यानी कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध यानी कि इसको रोकने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी कौन सा यानी कि डिपार्टमेंट इसका है, यानी कि इसको रोकने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 2008 यानी कि कब से चलाई गई योजना कह सकते हैं, आपको उस योजना का नाम बताना, यानी कि 2008 में यानी कि जो आपका यानी कि बोर्ड है केंद्रीय समाज बोर्ड, यानी ये भी पूछा जाता है किसके माध्यम से संचालित किया गया, तो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। देखिए मैंने पहले बताया इसमें कई क्वेश्चन, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। द्वारा चलाया गया योजना का नाम यानी इसको रोकने के लिए यानी जो कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है उसको यानी कि कह सकते हैं कि रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, बेटी बचाओ आंदोलन, दूसरा है उन्नति, तीसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस यानी कि मनाया जा रहा है ऐसा कुछ है क्या, चौथा दिया कि बालिका संरक्षण दिवस, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो सही होगा, तो आपका सही होगा यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा यानी कि बालिका संरक्षण, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि बालिका संरक्षण और लास्ट में दिया अभियान, समझ ना, इस तरह से
यानी कि ये आपका अभियान चलाया गया, कब चलाया गया तो बताइए, यानी कि 2008 में चलाया गया। देखिए कई क्वेश्चन है, कौन सी योजना थी, तो योजना का नाम है बालिका संरक्षण अभियान, कब चलाया गया 2008 में, किसके माध्यम से चलाया गया यानी कौन सा डिपार्टमेंट, तो आपका होगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, यानी इसके माध्यम से यह संचालित किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपोर्टेंट, यानी तीन क्वेश्चन, यानी कौन सा योजना का नाम है, यानी कौन सा अभियान है, तो बालिका संरक्षण अभियान, कब चलाया गया 2008 में, किसके माध्यम से, तो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से, समझ सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया बेटी बचाओ, समझ सकते हैं वो कब उसका शुरुआत हुआ, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझ सकते हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में, यानी कि 2015 में इसकी यानी कह सकते हैं शुरुआत की गई, किसके द्वारा, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के जो यानी कि इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरुआत की गई है, समझ सकते हैं। और अभी हाल ही में कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य को अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कह सकते हैं कि प्रदर्शन के लिए यानी किस राज्य को यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपका जो हरियाणा राज्य है वहां पे यानी कि हरियाणा जो राज्य है कह सकते हैं उस राज्य को अभी हाल ही में कह सकते हैं कि 2018 का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि योगदान के लिए उस राज्य को यानी कि पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, वही मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन होगा मैं वहां से 3-4 क्वेश्चन जरूर आपको बता दूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन भी इसमें तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, अब आप समझना होगा कि ट्रिक को कैसे याद करना होगा, ट्रिक आपको याद भी होगा यानी कि जो हमारे पुराने दोस्त अगर वीडियो देख रहे होंगे उनको इस ट्रिक के बारे में जानकारी होगी, और नहीं जानकारी होगी अगर कुछ हमारे नए दोस्त देख रहे होंगे तो उनके लिए और अच्छी बात है। क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से कई क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है कि राज्य की विधान परिषद, यानी कि अब आपके पास आ गया क्वेश्चन की विधान परिषद से, ठीक है, यानी कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास, यानी कि अगर राज्य में जो जैसे विधानसभा चलता उससे नीचे आपका विधान परिषद होता कह सकते हैं, तो अगर उसको समाप्त करने हो करता हो तो कौन समाप्त कर सकता है, यानी किसके पास को यानी कि राइट या अधिकार होता है। ऑप्शन पढ़िएगा, उस राज्य की विधानसभा यानी कि जो विधानसभा होती है क्या समाप्त कर सकती है, दूसरा क्या राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं, तीसरा क्या प्रधानमंत्री समाप्त करते हैं, और चौथा दिया संसद, यानी कि संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों, यानी इस तरह से। तो आपको ये बताना सीधे सीधे कि जो राज्य का कह सकते हैं कि विधान परिषद होता है उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो इसका जो सही होगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा, यानी कि संसद के पास कह सकते हैं कि अधिकार होता है, यानी कि वह राज्य में जो विधान परिषद चल रहे हैं, अभी मैं आपको बात करूंगा कि कितने कितने राज्यों में विधान परिषद है कह सकते हैं सारे टोटल, फिर कैसे हम उसको याद करें सारे चीज के बाद उसी को मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि संसद, यानी संसद का मतलब क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों कह सकते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। और यानी कि लास्ट में जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो वो अपने आप खत्म कर, यानी इसमें देखिए राष्ट्रपति भी दिया, तो राष्ट्रपति केवल अकेले में अपने मन से नहीं खत्म कर सकता, ये समझिए, यानी कि उसको लोकसभा और राज्यसभा से यानी कि बहुमत कराना पड़ेगा, यानी कि वोट कराना पड़ेगा, इस तरह समझ सकते हैं, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और लास्ट में यानी कि इन दोनों से जब पारित होने के बाद इन दोनों सहमत हो जाएंगे कि हाँ खत्म कर दिए, या बना, देखिए बनाने का भी अधिकार इन्हीं के पास है, खत्म करने का भी अधिकार इन्हीं के पास, समझिएगा, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद ये लास्ट में यानी कि राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अगर साइन कर देगा, यानी साइन तो उसको करना ही होता है क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक या कोई भी नियम पारित होता है तो राष्ट्रपति को ऑटोमेटिक यानी कि साइन करना ही पड़ता है, समझ रहे। तो यानी कुल मिला के किसके पास अधिकार हुआ, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसीलिए वहां पे संसद दिया, समझ रहे, इसीलिए आप समझ सकते हैं। तो ये कैसे थे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि किन किन यानी कि भारत के किन किन राज्यों में आपके विधान परिषद है, संख्या कितनी है, सारे चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर बात किया जाए कि कितने हैं तो बात करेंगे तो टोटल आपके कितने होंगे, 7, यानी कि भारत के 7 राज्यों में इस समय वर्तमान में यानी कि विधान परिषद है। आपका एक और राज्य है जहां पे होने के चांसेस लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी यानी कह सकते हैं वहां पे निर्णय नहीं है क्योंकि इस समय आपको पता होगा कि पूरे भारत में चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, कई कई राज्यों में विधान यानी कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसी के मद्देनजर उसको नहीं बनाया जा सका, पर बहस चल रही है, ठीक है। तो टोटल अगर बात किया जाए तो यानी कि राज्यों की संख्या कह सकते हैं कि आपके जो संख्या यानी कि विधान परिषद की, तो टोटल कितने हैं, 7 राज्यों में कह सकते हैं कि इस समय वर्तमान में आपके क्या है यानी कि विधान परिषद। अब कौन कौन से राज्य है मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पूरा मिटा रहा हूँ इसको क्योंकि लंबा होगा आपको समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, देखिएगा, यानी कि ट्रिक आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए ट्रिक जो आपका KUMBJAT, यानी कि क्या हो गया बताइए, KUMB कुंभ जाट, यानी कि कुंभ जाट आपका ट्रिक हो जाएगा, इससे आप कह सकते हैं कि आप यानी कि आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए के से क्या होगा, यानी कि कर्नाटक, देखिए नोट कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट, कोई भी देखिए क्योंकि पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे,
हमारा क्या होगा, यानी कि के से क्या होगा कर्नाटक, यू से क्या होगा बताइए, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा चेंज करके बताएंगे। यू से हो गया यानी कि उत्तर प्रदेश, तो यूपी में लिख रहा हूँ, यानी कि देखिए मैं दो बार तीन बार बोलूंगा जिससे आपको माइंड में क्लिक हो जाए यानी कि याद हो जाए। के से हो गया कर्नाटक, यू से हो गया यूपी, यम से क्या हो गया यानी कि महाराष्ट्र, समझिएगा यानी यम से क्या होगा महाराष्ट्र, समझिएगा। और बी से क्या होगा, बी से आपका बिहार, समझिएगा यानी कि लालू यादव कह सकते हैं। जे से क्या होगा बताइए, जे से आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि जे से होगा आपका जम्मू कश्मीर, इस तरह मैं लिख दे रहा हूँ जम्मू, यानी कि जे एंड के कर दे रहा हूँ, जे एंड के आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर। ए से क्या होगा, ए से आपका होगा आंध्र प्रदेश, ए से होगा आंध्र प्रदेश, समझिएगा इस तरह से। और टी से क्या होगा, यानी कि टी से बताए, टी से होगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना, इस तरह से आपके जो सात राज्य हो गिन सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी इन तरह से कह सकते हैं कि आपके जो सात राज्य यहाँ पे वर्तमान में विधान परिषद की है यानी कि जो है इस समय है। देखिए मैं एक बार और आपको कह सकते हैं कि अगर नहीं कोई दिखाया होगा, कोई इमेज अगर नहीं दिखाया कट रहा हो तो मैं दोबारा दोहरा दे। देखिए के से हो गया कर्नाटक, यू से हो गया यूपी, एम से हो गया महाराष्ट्र, और बी से हो गया क्या होगा बिहार, जे से हो गया जम्मू कश्मीर, ए से हो गया आपका क्या होगा आंध्र प्रदेश, और टी से हो गया यानी कि तेलंगाना। इस तरह से कह सकते हैं कि सात राज्यों में आपके यानी कि इस समय विधान परिषद है। और आठवां कौन सा, यानी कि जहां पे होने के चांसेस लगाए जा रहे हैं, यानी कि वहां पे कौन सा आपका उड़ीसा राज्य है, कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो पांचवा क्वेश्चन था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इस ट्रिक को याद कर लिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा, समझना ना। इस तरह से दो चार बार लिख लेंगे आप यानी कि पेज पे, किसी भी तरह से अगर नोट्स बनाएंगे तो भी आपको यानी कि याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, छठा क्वेश्चन भी आप क्या कह सकते हैं कि संविधान से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पढ़िएगा कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार यानी कि इसके पास है, यानी कि अगर किसी देश से हमसे मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध करना है तो यानी कि कौन आदेश देगा, यानी कि कह सकते हैं कि कौन आदेश देगा कि जाओ लड़ो, समझ ना। तो वही आपको बात करें, प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री आदेश देंगे, दूसरा है रक्षा मंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, या चौथा दिया उपरोक्त सभी, यानी कि कौन ऐसा आदेश देगा कि जाओ यानी कि अब लड़ो, समझ ना। तो बताइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़िएगा एक बार और पढ़ लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि भारत देश यानी कि अगर दूसरे देश से यानी कि लड़ाई करता है या युद्ध करता है तो उसका आदेश कौन देता है, आपको ये बताना है, यानी किसके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी देश से युद्ध करने का अधिकार यानी कि कह सकते हैं आदेश दे सकता है। तो आपका जो भारत का राष्ट्रपति होता है यानी कि कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो होता है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया, राष्ट्रपति के ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि कह सकते हैं कि जो छठा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, कह सकते हैं वर्तमान में। ये आपको ये भी पता होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, यानी तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति। अब तीन सेनाएं कौन सी होगी, हमारी थल सेना, वायुसेना और हमारी क्या है एक मतलब की जल सेना, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। यानी इन तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति, यानी तीनों का प्रमुख होता है, यानी कि तीनों के जो यानी पावर होते हैं इसके हाथ में होते हैं, किसको क्या करना है, कब क्या करना है, सारा चीज के बारे में। यानी कहने वाला कि जो राष्ट्रपति होता है इसके पास अधिकार होता है कि कब किसी देश से वो आक्रमण के लिए भेज सकता है, कब किसको आदेश दे सकता है, इस तरह से आपको समझ सकते हैं। तो पूरा अधिकार किसके पास होता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है, समझ रहा है। ये किसको आदेश देगा, तो ये रक्षा मंत्री को देगा, और रक्षा मंत्री अपने सैनिकों को, अब वो कह सकते हैं कि किसी हिसाब से भी हो सकता है, इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, समझ रहा है इसमें। और जो प्रधानमंत्री का रोल इसमें उस तरह से नहीं है, हाँ ये होता है कि यानी कि सलाह देते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ही कह सकते हैं कि अपने मंत्रियों के हिसाब से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस करके सलाह देते हैं कि बताइए क्या किया जाए, समझना, इस तरह से। लेकिन मेन जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के ही पास होता है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन पे, सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप यानी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप चाहे बायोलॉजी से रिलेट करके देखिएगा, चाहे आप कह सकते हैं कि यानी कि बायोलॉजी से ही देखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो आपको दिक्कत ही होगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा, यानी कि अगर कहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे क्या होता है, यानी कि जो पत्ते होते हैं, कह सकते हैं कि अपना जो भोजन बनाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, कह सकते हैं अपना भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, कह सकते हैं। तो यानी कि उनके लिए कह सकता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जल्दी जल्दी हो, यानी कि जिससे जो पेड़ पौधे हो अपना भोजन जल्दी बनाए, तो उसके लिए कौन सा प्रकाश उनको चाहिए। जैसे प्रकाश भी कई प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे, तो कौन कौन से प्रकाश, बैंगनी प्रकाश यानी विविकर आपने पढ़ा होगा, यानी कि कह सकते हैं ना उसी तरह से लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, या लास्ट में दिया हरा प्रकाश, यानी कौन से प्रकाश से जो होगा, यानी कि जो प्रकाश जो कह सकते हैं कि संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बहुत ही फास्ट होगी, ये आपको बताना। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा, यानी कि लाल जो कह सकते हैं कि प्रकाश होता है, कह सकते हैं लाल प्रकाश यानी कि रेड लाइट कह सकते हैं, जो आपका होता है ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्ध होती है आपको पता होगा, यानी कि इसकी जो यानी वेवलेंथ होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि हमको पता होगा कि यानी कि दूर से भी हमको दिखाई देता है, उसका हम यहाँ मैं रिलेट नहीं करूंगा,
यानी कहने मतलब इसका जो प्रकाश होता है, यानी कह सकते हैं कि हल्का भी रहता है तब भी, यानी कि स्पीड जो, या स्पीड भी कह सकता हूँ कि तेज होती है। इसकी जो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो लाल प्रकाश के माध्यम से जो प्रकाश यानी कि संश्लेषण की जो क्रिया होती है बहुत, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो जो पेड़ पौधे होंगे उनके यानी कि कह सकते हैं कि जो यानी कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो तेजी से होगी। और जब भोजन तेजी से बनेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधों का जो डेवलपमेंट कह सकते हैं या विकास होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। इसीलिए कह सकते हैं कि आपके यानी कि प्रकाश संश्लेषण के सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके, यानी कह सकते हैं कि आपके यानी कि क्या होगा, सबसे पहले यानी कि लाल प्रकाश ही चाहिए। अगर मान लिया कि प्रकाश संश्लेषण यानी कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश कम मिले तो क्या होगा, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते क्या होते हैं, पीले होने लगते हैं, समझना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो सातवां क्वेश्चन था ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आज के कौन से क्वेश्चन पे, यानी कि आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, एक रोग से बारे में पूछा जाए, डिजीज के बारे में कह सकते हैं, डिजीज के बारे में पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये किसके कारण से होता है। तो आपको क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको नया थोड़ा सा लगेगा कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो ये नहीं देखे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन नया पढ़िए, कुछ पुरान पढ़िए, सभी पढ़ते रहे, कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण है हाइपो कैलेमिया, देखिए नाम थोड़ा सा टफ है, हाइपो कैलेमिया यानी आपको ये बताना है कि किसकी कमी के कारण हाइपो कैलेमिया यानी कि रोग होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसकी क्या पहचान होती है, सारे चीज के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसके निवारण भी कर सकते हैं, यानी कि हाइपो जो कैलेमिया है कह सकते हैं ये किसकी कमी के कारण होता है आपको ये बताना है। आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम या आयरन, यानी कि शरीर में किसकी कमी के कारण यानी व्यक्ति को हाइपो कैलेमिया होता है। इसका जो आंसर होगा यानी कि जो पोटेशियम होता कह सकते हैं, पोटेशियम इस तरह से कह सकते हैं कि जो पोटेशियम होता है आप पढ़े भी होंगे, यानी कि कह सकते हैं पोटेशियम जो धातु होता है उसकी कमी से, यानी कि शरीर में जब ये पोटेशियम की कमी हो जाती है तब आपको क्या होता है, यानी कि हाइपो, मैं लिख दे रहा हूं हाइपो कैलेमिया, कैलेमिया यानी ये रोग का नाम है, हाइपोकैलेमिया रोग होता है, यानी कि इस तरह समझ सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि जब शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तब यानी कि व्यक्ति को क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। ये कह सकते हैं कि जो हाइपोकैलेमिया होता है ये स्त्री की यानी कि पुरुष की तुलना में स्त्री को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, यानी कि लगभग 70% कह सकते हैं स्त्रियों को लगभग इस तरह से बीमारियां अधिक होते हैं, यानी इस तरह समझ सकते हैं। अब ये होता है यानी कह सकते हैं ये कैसे होता, कह सकते हैं कि शरीर में पोटेशियम की कमी कहां से आ जाती है, यानी कि कब हमको यानी कि कह सकते हैं कि शरीर में पोटेशियम की कमी होगी तो हमको ये होगा, कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो शराब का अधिक सेवन करता हो, समझ सकते हैं शराब का अधिक सेवन यानी इस तरह से होता है ना, कोई बहुत पीता है इस तरह समझ सकते हैं, या उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि दस्त कह सकते हैं या उल्टी कह सकते हैं कि बहुत बार बार आ रही है यानी कि रुक ही नहीं रहा, तो इस तरह समझ सकते हैं कि शराब का अधिक सेवन, दस्त होना, या इस तरह से कह सकते हैं कि आपको जैसे होता ना यानी यूरिन कह सकते हैं कि आप दिन में बहुत अधिक बार कह सकते हैं कि पेशाब करने जा रहे हैं, इसके कारण भी हो सकता है, यानी कि अधिक कह सकते हैं कि पेशाब करने से भी आपके जो पोटेशियम होता है बाहर निकल सकता है, किसके माध्यम से यानी कि यूरिन आपके यानी कि कह सकते हैं कि मूत्र के द्वारा आपके यानी कि जो पोटेशियम होता है वो शरीर से आपको बाहर निकलेगा, जिससे आपको यानी कि पोटेशियम आपको जो खत्म हो जाएगा तो क्या होता है यानी कमी से आपको हाइपोकैलेमिया होता है, समझ सकते हैं इस तरह से। तो ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको यानी कि ये जानना चाहिए, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कौन सा एक क्वेश्चन था बताइएगा, ये क्वेश्चन देखिए एक बार स्क्रीन पे देखिए, ये आठवां क्वेश्चन था यानी कि आज का आठवां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आज के नवे क्वेश्चन पे, देखिए अगर कह सकते हैं कि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के नवे क्वेश्चन, देखिए नवा क्वेश्चन कह सकते हैं कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन छुपे, यानी कि प्रश्न में ही कई क्वेश्चन छुपे हैं, समझ में, क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में, दो बार में पढ़िएगा तभी आपको समझ आएगा। संविधान का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बने यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 22 के तहत क्वेश्चन एक तो वही हिसाब से बन गया। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, यानी कहने मतलब कि आपने कोई गलती मान ली कर लिया, चाहे कोई भी गलती हो, चाहे आपने किसी का कुछ चुरा लिया हो या कैसे किसी को मार दिया हो, कोई भी मर्डर हो जाए समझ सकते हैं, तो ये कोई भी यानी कह सकते हैं जब पुलिस आपको पकड़ेगी तो कितने घंटे के भीतर यानी कि नजदीकी जो कह सकते हैं कि कोर्ट होता कह सकते हैं या न्यायालय होता कह सकते हैं उसके सामने कितने घंटे के अंदर उसको पेश करेगी, ये आपको बताना, समझ आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 48 घंटे, 72 घंटे, 120 घंटे या कह सकते हैं कि 24 घंटे, यानी कितने घंटे के अंदर आपको उस पुलिस को हर हाल में पेश करना ही होगा। हाँ ये है कि वाले कोई त्यौहार पड़ जाए समझा तो आपको नहीं, यानी कहने मतलब यानी छुट्टी का दिन ना हो इसके तरह समझ सकते हैं, तो आपको कह सकते हैं कि उस पुलिस को कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर यानी कि 24 यानी कि हावर के अंदर उस व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में किसी भी नजदीकी कह सकते हैं कि जो आपके कोर्ट होते हैं या न्यायालय होते हैं
चाहे वो मतलब कह सकते चले जाने से, लेकिन उसको यानी कि पेश करना ही करना होगा, यानी सूचित करना होगा 24 घंटे। इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग होंगे, नहीं कि ऐसी घटनाएं हो जाती है, कह सकते हैं उसको पुलिस लेके गई, पता नहीं चलता यार कब ले गई, अब पता नहीं चल रहा कौन है, थाना लेके चलते। इस तरह से कोई भी कंडीशन होता है तो आप उसके खिलाफ FIR। अब ये बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत यानी कि ये उसके सामने पेश करता है, तो अनुच्छेद 22। देखिए मैं पहले भी बताया कि कई क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे, यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत ये कहा गया संविधान में कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को पकड़ती है, कोई भी अपराध हो, जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए स्टेशन पे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप मान लीजिए टिकट नहीं लिया, समझे मैं बता रहा एकदम सिंपली एकदम आपको समझे, यानी कि मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में, आपने टिकट नहीं लिया, तो आपको जब आएगा कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जब चेक करेगा, होता ना टिकट मजिस्ट्रेट वाला जो चेक होते हैं सिटी मजिस्ट्रेट, इस तरह से तो जब चेक करेगा आपको पकड़ेगा, आपके पास टिकट नहीं होगा तो क्या करेगा, यानी आपसे पैसा लेगा, लेकिन आपके पास पैसा भी ना हो तो आप क्या करेंगे, यानी आपको पकड़ के ले जाएगा। तो वो 24 घंटे के अंदर जो रेलवे के कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट होते हैं, आपको पता होगा रेलवे में भी आपके न्यायालय होते कह सकते हैं, तो वहां पे उसको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करता, तो वही होता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत, यानी कह सकते हैं कि ये यानी कि ये होता है, समझ सकते हैं, और आपको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होता। तो ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हो है ही, लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन यानी कह सकते हैं आने वाला कोई भी एग्जाम हो वहां पे भी इंपॉर्टेंट, और कह सकते हैं आपके लिए ये खुशखबरी ये है कि मैं यानी कि जल्द ही कह सकते हैं कि आपको यानी कि जो आपके संविधान के क्वेश्चन है, मैं सिर्फ यानी कि जैसे इसमें है, इसमें आपके संविधान भूगोल सारे चीज चल रहे हैं, मैं आपको एक सेशन बना रहा हूं उसमें सिर्फ मैं संविधान का ही क्वेश्चन यानी कि लगवाऊंगा, और वही यानी कि लगभग 100 से 200 क्वेश्चन दे दूंगा, कि चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC HSL की या कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं, उसमें आपको उसी को ये उसी कह सकते हैं कि उसी में से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पे, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 10वां क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सुन के आप झटका लगे ये कैसा क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि जिसके बारे में आपको पता भी होगा लेकिन गलती करेंगे। देखिए 90% लोग इस क्वेश्चन में जरूर गलती करेंगे, तो आप देखिए आपने इस क्वेश्चन में गलती कर दी। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी कोई राष्ट्रीय भाषा, एक बार देखिए क्वेश्चन और पढ़िए, क्वेश्चन कुछ लोगों को समझ रहे हैं गलत दिया है, ऑप्शन ही गलत दिया है। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, कौन सी है बताइएगा, अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, या इनमें से कोई, यानी कि कोई भी भाषा ही नहीं, समझ सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए, पहले आप तो सोचेंगे यार कौन सा सही होगा, पहला सही होगा नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कौन सा सही होगा। देखिए कहने का मतलब ये होगा, यानी कि कह सकते हैं कि दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यानी कि भारत जो देश है उसकी कोई भी कह सकते हैं कि अभी भी यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल भी नहीं है आज तक, जैसे कोई मानता होगा क्रिकेट है, नहीं क्रिकेट भी नहीं है, ना हमारा फुटबॉल है, ना हॉकी है, कुछ भी हमारा नहीं है, समझ सकते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं हमारा है ही नहीं, ना हमारा हॉकी है, ना हमारा फुटबॉल है, कह सकते हैं कि आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट में आप खोजेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, काम चला तो आप चला रहे कोई दिक्कत नहीं, यानी हॉकी चला रहे हैं इसी तरह से, तो समझ सकते हैं कि यानी कि भारत देश का कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय भाषा भी इस समय नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही, यानी कि कोई भी, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, समझा ना इस तरह से। आपको कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश है या हिंदी है, देखिए कुछ ही भी कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार मान्यता मिला है, लेकिन आपका जो हिंदी है वो सबसे अधिक कहाँ, मतलब इधर कह सकते हैं कि उत्तर भारत में बोला जाता है, जैसे ही आप साउथ में जाएंगे वहां पे हिंदी से कह सकते हैं कि एक तरह से यानी कि उनको यानी कि दुश्मनी जैसे लगता है, यानी काटता है इस तरह से, समझ सकते हैं, यानी को उनको अपने ही भाषा बोलने में यानी कि ज्यादा दिल पर कह सकते हैं दिलचस्पी होती है, इसीलिए कह सकते हैं कि अभी तक यानी इसको मान्यता नहीं। देखिए लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ यानी कि संविधान के अनुसार थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ कि भाषा के बारे में, किस अनुच्छेद में, सारे चीज के बारे में बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि संविधान में यानी कि भाषा के बारे में यानी कि बात किया गया है, तो संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत यानी कह सकते हैं कि भाषा के बारे में बात किया गया है, यानी कि कौन कौन सी भाषा, कौन सी भाषा को यानी कि मान्यता प्राप्त किया गया है, कह सकते होता ना कि राजकीय भाषा या ऑफिशियल भाषा, तो आपको कह सकते हैं कि इस समय पूरे भारत में यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया, यानी कि इन 22 भाषाओं में से आप कोई भी भाषाओं में पेपर दे सकते हैं या कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सरकारी काम करा सकते हैं, समझ ना। तो ये कह सकते हैं कि भाषा के बारे में किस अनुसूची में यानी संविधान के किस अनुसूची में कह सकते हैं कि आपको यानी कह सकते हैं कि भाषा के बारे में बात किया गया है, तो आपका कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कह सकते हैं कि भाषा के बारे में बात किया गया इस तरह से। तो समझ सकते हैं कि भाषा के बारे में हमने कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए जो इंग्लिश दिया इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन मतलब एक मिनट बात कर लेते हैं, जो इंग्लिश है कह सकते हैं कि ये शुरू में इसको मान्यता दिया गया था यानी कि 1950 से 1960 तक, यानी कि सिर्फ ये कहा गया था
कि भारत जब आजाद हो रहा है 1950 से, तो 60 तक यानी कि 1960 तक सिर्फ अंग्रेजी बोला जाएगा, यानी कि जो सरकारी काम हो रहे हैं चाहे वो कोर्ट का हो वो कोई भी काम हो, समझ ना, उसके बाद यानी कि सारे काम हिंदी में हो जाए। लेकिन जब 1960 है तो पता चला यार अभी तो यानी कि कह सकते हैं अभी तो इंग्लिश की जरूरत, यानी कि बिना इंग्लिश के कोई काम ही नहीं, आज तक यानी कि आज तक भी आपका इंग्लिश खत्म नहीं हो चला, समझ ना, इस तरह समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपको इंग्लिश को भी यानी कि देना पड़ेगा, समझ ना। तो ये था हमारा कह सकते हैं कि 10वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो सभी को जानना ही चाहिए। क्वेश्चन ये है कि भारत देश में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा जो अधिक प्रचलित, यानी कि भारत देश में सबसे अधिक जो कह सकते हैं कि सिंचाई किसके माध्यम से होता है आपको ये होता है कि कौन से तरीके से जो भारत देश है उसमें सबसे अधिक सिंचाई होता है। जैसे ऑप्शन दिया झीलों से, क्या जो झील होते हैं कह सकते हैं उसके माध्यम से सबसे अधिक होता है। दूसरा है टैंकों से, टैंकों मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो होता है ना टैंक जो बने होते हैं उसके माध्यम से। तीसरा होता है कुएं और ट्यूबवेल से, यानी कि जो कुएं होते हैं आसपास में कह सकते हैं, और अभी गांव में जाएंगे तो वहां पे भी आपके कुएं मिलेंगे और ट्यूबवेल जो बने होते हैं सरकारी चाहे हो या प्राइवेट हो, इस तरह से कह सकते हैं। या लास्ट में दिया उपरोक्त सभी, यानी कि कह सकते हैं आपसे ये पूछा गया कि भारत देश में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से सबसे प्रचलित कह सकते हैं, यानी कि सबसे अधिक कौन सा, यानी कि इसके माध्यम से सबसे अधिक किसान इससे यानी कि कह सकते हैं अपने खेतों को सींचते हैं इस तरह से। तो आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा, यानी कह सकते हैं कि क्या होगा, यानी कुआं, कुआं और किससे बताइए, कुआं और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल इस तरह समझ सकते हैं, यानी कि कुआं और ट्यूबवेल के माध्यम से कह सकते हैं कि सबसे अधिक भारत में यानी कि कह सकते हैं किसान अपने यानी खेतों को सींचते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। कितना अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो कितना होगा, तो ये आपका लगभग यानी कि 63% समझ सकते हैं, यानी कि लगभग ये आपके यानी कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से पूरे भारत में कह सकते हैं कि 63% यानी सिंचाई इसके माध्यम से होता है। और इसमें दिया जैसे झीलों के माध्यम से, तो झीलों के माध्यम से मैं बात करता हूं तो यानी कि झीलों के माध्यम से लगभग आपके कह सकते हैं कि यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि 27 कह सकते हैं 27% होता है। इसके बाद कुछ कुछ जगहों पे तालाबों से होता है, जैसे आप बात करते हैं कि तालाब की बात मैं करता हूं एग्जांपल में, जैसे आपका तमिलनाडु राज्य, यानी कि जो तमिलनाडु राज्य है वहां पे सिर्फ अकेले अगर बात किया जाए तो 10,000 तालाब है, यानी समझ सकते हैं, यानी कहने वाला कि जो आपका तमिलनाडु राज्य है वहां पे अकेले उस राज्य में ही सिर्फ कह सकते हैं कि 10,000 तालाब यानी कि बनाए गए हैं इस तरह, समझ सकते हैं यानी सिंचाई के लिए। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि अगर टोटल निकाला जाए तो तालाब के कितने हो जाएंगे, तालाब के आपके बचेंगे कितने, अरे भाई 63 ये होगा 27 ये हो गया, तो 63 7 कितना होगा 70 70 20 90, यानी कि लगभग 10% मैं कह सकता हूँ, यानी कि 10% जो सिंचाई होता है वो किसके माध्यम से होता है, तालाबों में होता है। देखिए कोई अगर यहाँ पे 63 कहेगा कोई 65 कहेगा तो आपको मान लेना कोई भी दिक्कत, 1% आधे परसेंट से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे, इस तरह समझ लेते हैं। ये मैं कब की बात करूं, यानी कि जनगणना, यानी कि 2010 और 11 के हिसाब से कहा जा रहा है, ये समझिएगा, यानी कि 2010 और जो 11 में सर्वे हुआ था कि कहां पे कैसे सिंचाई होता है उसके आधार पे एक आ गया, यानी कि आप 2001 का देखिए 2005 का देखिए, इस तरह समझिएगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, समझा रहा है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि समाचार पत्र, यानी कि समाचार पत्र का नाम है मराठा, यानी कि समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे, यानी कि जैसे आपका होता है आज तक, यानी कि कह सकते हैं अमर उजाला होता है, दैनिक जागरण होता है, इस तरह से समझ सकते हैं कि जो द हिंदू होता है, तो अलग अलग उसके संपादक यानी कह सकते होते हैं। उसी तरह से जब यानी कि कह सकते हैं कि आपका मराठा यानी कि मराठा जो न्यूज़पेपर था उसके संपादक कौन थे आपको ये बताना है, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे या गांधी जी, यानी कौन से व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि जो मराठा न्यूज़पेपर था उसके संपादक थे। तो इसमें जो सही होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, समझ सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, समझ सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि आपका यानी कि जो मराठा न्यूज़पेपर है कह सकते हैं आप, तो इस तरह लगभग यानी कि बहुत पहले यानी कब आता था, यानी कब छपता था, तो इसकी स्थापना यानी कि कह सकते हैं ये यानी कि छपना शुरू हुआ 1881 में, यानी इस तरह से कह सकते हैं। देखिए 18 इधर से उसका उल्टा कर दिए तो आप याद कर सकते हैं कोई भी, देखिए यानी कि 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कह सकते हैं कि मराठा यानी कि न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं आज के यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नंबर आपको यानी कि 15-16 दिखाई दे उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको 10-11-12 इस तरह से गिनना, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपके भूगोल से क्वेश्चन है, भूगोल से मैं देखिए इसमें कई चीजों को आपको डाउट कर दूंगी, यानी कि जो डाउट होंगे आपको क्लियर करूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कितने अंश का अंतर होता है, समझ सकते, यानी कि कर्क रेखा जो है आपको बताओ कि कर्क रेखा यानी कहाँ कहाँ से गुजरती है भारत के किन किन राज्यों से, फिर मकर रेखा इस तरह समझ सकते हैं। तो आगे कर्क रेखा और मकर रेखा जो है उसके बीच में कितने अंश का अंतर होता है, 45 अंश, 50 अंश, 180 अंश या 47 अंश। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ वहां पे आपको क्लियर कराऊंगा, इस तरह से समझिए।
ये मान लिया आपका क्या है बताइए, ये पृथ्वी है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। पृथ्वी को हम बीचों बीच बांध लेते हैं, यानी कि इस तरह से दो भागों में बांट लेंगे। तो दो भागों में बांटेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको इधर अगर दिखाई देगा आपको, मैं इसको टिक कर देता हूं, ये आपका भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा को एक और नाम से हम जानते हैं, कौन सा नाम है, विषुवत रेखा, समझ सकते हैं नहीं, यानी कि चाहे भूमध्य रेखा कहिए या उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये इसी मध्य लाइन को मैं इसको बांट कर रहा हूँ, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम है हमारा विषुवत, मैं लिख रहा हूँ विषुवत, चाहे आप विषुवत कहिए चाहे भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा है। ये कितने पे है ये बात करते हैं, ये जीरो डिग्री, यानी कि इसको जीरो डिग्री माना गया, समझा। इसके ऊपर अगर चलते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं कितने अंश पे, तो समझिएगा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे मैं एक और लाइन बना रहा हूँ, दूसरे पेन से चेंज करके देखिएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 23.5 अंश, मैं इसको 23.5 मानूंगा, 23.5 अंश, यानी कि 23 कह सकते हैं कि 23.5 अंश पे आपका कौन सा रेखा जाता है, यानी आपका क्या जाता है, यानी कि कर्क रेखा जाता है। इसको हम कौन सी रेखा मानेंगे, ये हमारा होगा कर्क रेखा, क्योंकि मैं इधर लिखूंगा तो आपको हो सके दिखाई ना दे, यानी ये हमारा होता है कर्क रेखा, समझ सकते हैं। और इतना ही, यानी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उतना ही नीचे कह सकते हैं, मैं इधर बना रहा हूँ, यानी इतना ही 23.5 पे ही, समझिए, इतना ही पे ही आपका ये होता है आपका मकर रेखा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये मकर रेखा होता है। तो क्वेश्चन ये आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन अब आपको समझ में आया कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कितने अंश का अंतर होता है, यानी कि ये आपका कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा, इसके बीच में कितने अंश का अंतर होगा, ये आपको समझ, यानी इसके बीच में कितने अंश का एंगल बन रहा है, यानी कि दोनों के बीच चार मिलाकर देखिए। तो समझिए ये आपका यहाँ पे ये आपका जीरो होता है, समझिए ये जीरो होता है, और यहाँ पे आपका 23.5 है, और ये भी आपका 23.5 है, समझिए। तो यानी कहने वाला कि 23.5 ये हो गया, 23.5 ये हो गया, तो जोड़ेंगे कितना होगा, यानी कि दोनों मिला के कितने का होगा, यानी कह सकते हैं कि 47 अंश का जो अंतर होता है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 47 अंश का अंतर होता। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। मैं अभी इसके बारे में और आपको बताऊंगा कि यानी किन किन राज्यों से भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा या कितने संख्याओं से गुजरती है, मैं यहाँ पे संख्या बता दूंगा, क्योंकि राज्य बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आपको पता होगा तो नीचे कर दीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो इसके बारे में बात करते हैं, यानी भारत के किन किन, देखिए बात करते हैं कि भारत कहाँ पे पड़ेगा, अगर बात किया कि इस पृथ्वी में मैं भारत की बात करें तो भारत आपका यहाँ पे पड़ेगा, इस तरह से मैं दिखा, इस तरह समझिए, ये आपका भारत की मैपिंग हो जाए इस तरह से। तो आपके कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा होता है वो भारत के कह सकते हैं कि बीचों बीच, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के मध्य से होके यानी कर्क रेखा जाती है। तो भारत के कितने राज्यों से होके जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। अगर कह सकते हैं कि आपको ट्रिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसका ट्रिक बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लेके बहुत लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कह सकते हैं। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है, मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक आपको बता देंगे तो उससे आपका रिले यानी कि आपको याद होगा, जैसे हमने एक ट्रिक बताया था विधान परिषद का कुंभ जाट वाला, उसी तरह से मैं एक ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के यानी कि 17वें क्वेश्चन पे, 17वां कह सकते हैं या आज का 14वां क्वेश्चन कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है कि इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे इलायची का जो हम कह सकते हैं कि चाहे मसाला के रूप में यूज करते हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से यूज करते हैं, यानी उसका सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल या राजस्थान, तो बताइए कौन सा होगा, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा यानी कि जो आपका केरल राज्य कह सकते हैं कि जिसे हम मसाला का भाई सीधे सीधे हम मसाला के लिए उसको जानते हैं, यानी कह सकते हैं कोई भी पूछे मसाला सबसे अधिक कहाँ होता है भारत के किस राज्य में, तो आपका केरल है ये है। तो यानी कह सकते हैं कि इलायची जो होता है, इलायची ये आपका कह सकते हैं कि सबसे अधिक कहाँ पे होता है, यानी कि केरल में होता, समझ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि मसालाओं में कह सकते हैं कि पूरे मसाला में कह सकते हैं कि तीसरा जो मसाला नंबर कह सकते हैं तीसरे नंबर पे ये पूरे विश्व में सबसे अधिक महंगा, यानी कि कह सकते हैं कि मसालों में तीसरा वस्तु, यानी कि कह सकते हैं कि जो मसाला होता है उसमें कैसे तीसरे नंबर पे ये सबसे महंगी यानी कि मसाला होता है, यानी कि आपका इलायची। ये कह सकते हैं कि आपको पता होगा कहाँ पे यूज करते हैं, यानी खाने पीने वाली कह सकते हैं जो कोई भी बनाए कह सकते हैं कि स्वादिष्ट बनाने के लिए हम कहाँ पे यूज किस करते हैं, यानी कि इलायची का। अब बात करते हैं, ये तो हो गया यानी कि भारत की बात हो गया, अब बात करते हैं कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक इलायची होता है, तो आपका भारत ही होगा। यानी कह सकते हैं कि विश्व में भी आपका इलायची का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो भारत देश में ही होता, समझ सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा कह सकते हैं कि यानी कि अंतिम क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है कि देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में शुरू किया, यानी कि आपको ये बताना कि कौन सा राज्य भारत का जहां पे सबसे पहले यानी कि फर्स्ट कह सकते हैं कि मोबाइल बैंक की शुरुआत की गई थी, उस राज्य का आपको नाम बताना। ऑप्शन पड़ेगा मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, नई दिल्ली, और लास्ट में दिया आपको गुजरात। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आएगा तभी करिएगा, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह से आपको डेली जो वीडियो चाहे कह सकते हैं कि जीके का हो, चाहे वो करंट अफेयर का हो कह सकते हैं, या मैथ का हो, कोई भी हो कह सकते हैं कि आपको यानी कि छूट ना पाए, क्योंकि कह सकते हैं कि एग्जाम की डेट कह सकते हैं जल्दी ही आने वाली है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि अभी से अगर आप प्रिपरेशन रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो आपके यानी आने वाला कोई भी एग्जाम कह सकते हैं यानी आपसे छूटेगा नहीं। तो इसी तरह से आप डेली केएलडी क्लास में बने रहें। केएलडी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को केएलडी क्लासेस